साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो साथियों अगस्त महीने की है। अगस्त का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। अगस्त की थोड़ी सी कल वाली जो क्लास आएगी इसके बाद पार्ट टू, वो थोड़ी सी बड़ी होगी। कारण है कि अगस्त में इफेक्ट बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कुछ विद्यार्थियों की जो ये शंका थी कि सर इन क्लासेस में से या टेस्ट सीरीज में से हमारे करंट कवर हो जाएगा या नहीं, जो जिन्होंने विश्वास कर रखा था कल के वन रक्षक के एग्जाम में, उनको सबको बता दिया है कि क्या है क्या नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मुझे पता नहीं है कि इसमें से कितनी इंपॉर्टेंट है या कैसे, लेकिन मुझे ये पता जरूर है कि जो मुझ पे विश्वास रख के पढ़ रहे हैं वो पिछड़ेंगे तो किसी से नहीं। ये बात, ये सुनिश्चित मैं करके चलता हूं। और यदि ये क्लास है साथियों, जैसे आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स की सारी देख लेना है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो नोट्स मेकिंग पैटर्न भी है, और जो क्लास है वो ये समझ लो आप चार पांच पुस्तकों का निचोड़ है। तो क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले अपनी जो वार्षिक अंक आने वाला वो आएगा नहीं, वो जनवरी में आएगा। और वो ऐसा आएगा कि वो भी मतलब आप लोगों के लिए, मतलब आपकी उम्मीदों से बहुत बेहतर होगा। ये प्रयास है कि उसमें संपूर्ण एक वार्षिक अंक जिसके अंदर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए वो संपूर्णता के साथ में देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सेकंड ग्रेड वाले जो है उसके भरोसे नहीं रहे क्योंकि वो जनवरी से पहले आने वाला नहीं है। आप लोग जितनी भी जनवरी से और जितनी रेगुलर क्लासेस चल रही है, नोट चाहे बनाओ या नहीं बनाओ, देखो आप लोगों के समय के अनुसार देख लेना। बाकी देख जरूर लेना, क्लासेस पढ़ जरूर लेना। आप पीडीएफ भी आपको शेयर की जाती है टेलीग्राम पे, तो ये सारी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। क्योंकि जनवरी से मंथ वाइज उठाया गया है और एक सिक्वेंस, एक क्रम के अनुसार अपन चले हैं, पढ़ने में सहूलियत हो और वे चीजें जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताई गई है। बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैं जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता हूँ। जो प्रयास कर रहा हूं वो बताऊंगा जरूर कि हाँ ये प्रयास किया जा रहा है। फायदा किसको उठाना किसको नहीं उठाना वो थे जानो और थारो काम जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों अगस्त महीने की इस क्लास को। जुलाई तक का अपना कवर हो चुका है। अगस्त महीने में राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू की, पेन चेंज करना ठीक है नहीं। हाँ ये क्लास लाइव नहीं है, प्रीमियर पर चल रही है, अपलोडेड है, तो आप सिर्फ क्लास पे फोकस करें, कमेंटबाजी में मत उलझना, ठीक है। हर बार कहता हूं मैं ताकि समय आपका व्यर्थ ना हो। देखो अगस्त महीने के अंदर राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू की गई है और ये हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है ना। असम और उड़ीसा इससे पहले हस्तशिल्प नीति ला चुके हैं, यानी कि हस्तशिल्प से संबंधित जो प्रोडक्ट है जिसके मामले में अपने, वैसे भी आप लोगों को आज देखो फैक्ट में बताया था हस्तशिल्प का सिरमौर बाड़मेर, ठीक है ना। तो हस्तशिल्प, वैसे हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं, तो उनको और विकसित करने के लिए, उन हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए और हस्तशिल्प के मामले में, हैंडीक्राफ्ट के मामले में और विकास करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 लागू की गई है, ठीक है ना। तो इसमें देखो इसकी क्या क्या खासियत है, समझना इस बात को, ठीक है। सबसे पहली चीज की 27 अगस्त 2022 को इस नीति का अनुमोदन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही किए जाते हैं ये सारे काम। तो 27 अगस्त 2022 यदि डेट पूछ ले तो 27 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर सीक्वेंस में डेट हो, सीक्वेंस में ऐसा है आपको लगता है जरूर तो आप कर देना, मैं इंपोर्टेंस के हिसाब से उनके हिसाब से ही स्लाइड बनाता हूं कि किसकी क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है ना। तो भाई मां मतलब मां है, चाहे आगे हो पीछे हो, वो तो अब नहीं, आपको रट्टा मारना है तब तो आपको सीक्वेंस में करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको समझ नहीं है चीजें तो आपके लिए कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो 27 अगस्त 2022 को अनुमोदन हुआ। प्रति वर्ष दिसंबर में इसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया, एक डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगस्त में तो देखो इसको अनुमोदन किया है, लेकिन डिसीजन ये लिया है कि प्रति वर्ष दिसंबर माह के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो आने वाले समय में, और अभी भी प्रश्न बनेगा कि हस्तशिल्प सप्ताह किस माह में आयोजित किया जाएगा, तो दिसंबर माह के अंदर हस्तशिल्प सप्ताह आयोजित किया जाएगा, इसका डिसीजन लिया गया, ठीक है। हर जिले से एक हस्तशिल्प उत्पाद को चुना जाएगा, ठीक है। हर जिले का कुछ ना कुछ हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं, देखो हस्तशिल्प के अंदर अपन पढ़ते हैं है ना, मीनाकारी वगैरह बहुत सारी चीजें, तो वहां से हर जिले का एक प्रोडक्ट चुना जाएगा और उसके अनुसार फिर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके पीछे भी पूरे जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा। ध्यान ध्यान है कि आप देखो जवाहिरो नाम आ जाए, ठीक है, तो चाहे सुमेरपुर नाम आ जाए, चाहे गणेराव नाम आ जाए, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है, मैं यदि जहां से बिलोंग कर रहा हूं, मैं गणेराव से बिलोंग कर रहा हूं, तो मुछाना महादेव महावीर मंदिर पूछियो, गणेराव भले वो
उत्तर है नहीं है या लेकिन पूछा घर रहो तो बस अपने दिल को ठंडक पहुंचती है। तो ये प्रोत्साहित करने की एक नीति होती है कि जो जिस जिले का प्रोडक्ट है उसके पीछे वो पूरे जिले की हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया। देखो असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर स्लाइड पर लिखी हुई सारी चीजें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बस जैसा आने वाली योजना थनकाल बता दियो और भी कई सारा निक्षय वाला और ये सारे सारे जो है सब प्रश्न यूं के यूं हूबहू मिले आपको। ठीक है, झुंझुनू के मूल निवासी श्री जगदीप धनखड़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और झुंझुनू में भी मैं बता दूं कहां के, किठाना, झुंझुनू में भी किठाना के है। ठीक है ना, ठिकाना याद मत करना, किठाना है। झुंझुनू के किठाना के मूल निवासी श्री जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ली, तो 11 अगस्त 2022 को ली। ये फैक्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, ये 11 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा देख लेना, यहां नहीं दिखे तो ठीक है, 11 अगस्त 2022 ये फैक्ट मैं पहले भी एक बार करंट की क्लास में पढ़ा चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही आपको पुराना जीके पढ़ रहे थे उससे चेंज हो चुके हैं। राष्ट्रपति में आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू ये कौन है, ये राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ठीक है, जो राजस्थान के झुंझुनू के मूल निवासी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2022 को हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए, कौन, सुधी राजीव। ठीक है, किन नियुक्त करिया, सुधी राजीव। देखो अपन अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो वो किस लिए पढ़ते हैं कि अपन एक दूसरे की शुद्ध बुद्ध जानते हैं कि कहां पे क्या घटना हुई, कहां क्या हो रहा है। ठीक है ना, एडवर्टाइजर देखने वास्ते थोड़ी कहा देखा कि हाँ हाइट बढ़ाइए अपनी, वो करिए मोटापा घटाइए, इसलिए थोड़ी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है ना, अपन पढ़ते हैं शुद्ध बुद्ध जानने के लिए। तो सुधी राजीव ध्यान रखना, किस लिए, पत्रकार समाचार पत्र का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पत्रकारिता और जनसंचार नाम आ जाएगा तो ध्यान रखना सुधी राजीव। ठीक है, शुद्ध बुद्ध जानने के लिए सुधी राजीव। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के भी कुलपति नियुक्त हुए इस समय संतोष कुमार सिंह। ठीक है, एस के सिंह, संतोष कुमार सिंह तो यहाँ कोटा में है, कोटा में संतोष है और जयपुर में सुधी है। ठीक है ना, तो सुधी राजीव। ठीक, चले आगे, पहली स्लाइड निपटारो हुगो अपार है। ठीक है ना, दूसरी स्लाइड में आ जाए। ठीक है, चलिए 13 अगस्त 2022 को निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए, कौन, मधुकर। ठीक है, और ये एक बार अपन ने अभी निर्वाचन आयोग वाली क्लास ली थी तब आपको पुराना बता के फिर अपडेट करवाया था मधुकर गुप्ता, तो ये आपको याद भी है। तो इनसे पूर्व यदि पूछा जाए तो प्रेम सिंह मेहरा थे। यदि राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त के ऊपर अपन नजर डालें तो अमर सिंह जी थे, कुणा अमसा, अमर सिंह जी राठौड़। ठीक है, मार कल्चर में यूं क्या करे, अपार मारे गए, अपार सब रहे। राजस्थानी कल्चर में मान सम्मान देनो मतलब एक रिवाज है, एक रीति है, राजस्थान से जो भी बिलोंग करते हैं मान सम्मान खूब दिया करें, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट की नीति फॉलो करते हैं। तो अपन इसीलिए देखना है ज्यादातर यहाँ पे किसी के नाम आते हैं शासक के या क्लास में भी अपन जी लगा के संबोधित करते हैं। ठीक है, अंबे जीवता है कि नहीं है, बाकी अपार जिकारो देने में क्या जावे। ठीक है, नहीं मान सम्मान देने में कुछ नहीं है, अच्छा ही है। तो ये 1994 से 2000 तक ये रहे थे सबसे पहले। यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 के, ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 243 के तहत 1994 में राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और उसी से संबंधित है आपके निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में ध्यान रखियो मधुकर गुप्ता जी है। ठीक है, 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। देखो जयपुर जोधपुर तो मतलब फास्ट फॉरवर्ड ही पड़े हैं। ठीक है, थे कोचिंग भी कई जना जयपुर जोधपुर ही दौड़ो करण है। ठीक, और स्टूडेंट भी खूब है अपार बने, तो डिजी फेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, जयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो डिजी फेस्ट जयपुर के अंदर आयोजित किया गया, फेस्ट मतलब क्या है, फेस्टिवल। ठीक है, मार सुमेरपुर में रंगमंच में फेस्टिवल लागू करें, अब फेस्टिवल मैं देशी भाषा में कह दिया करो मेले। ठीक है, के मेला मालो, और ज्यादातर मतलब क्या करता है, मेले में और कहीं ऑफिशियल बोलना है तब फिर कहते हैं कि फेस्टिवल में जा रहे हैं। अच्छा, फेस्टिवल का मतलब तो वैसे ही उत्सव होता है, लेकिन अपन कहते हैं क्या, कहाँ जा रहे हो, फेस्टिवल में जा रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है, मतलब एक मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया, ये एक तरह का तकनीकी मेला ही है। मेरे आपको ये
मतलब सिर्फ बातों के लिए नहीं है, मैं आपको उदाहरण इसीलिए दिया है कि ये क्या है, ये भी एक तकनीकी मेला है, ठीक है ना, ये क्या है, तकनीकी मेला है। डिजी यानी डिजिटल और फेस्ट यानी फेस्टिवल और तकनीकी मेलो, ऐसा ये है तकनीकी मेलो है, ठीक। सूचना प्रौद्योगिकी व जनसंचार विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया, ये देखो तकनीकी मेलो में लिक्योडो भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तकनीकी मेला है। इसके अंदर देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिनका लोकार्पण हुआ इस डिजी फेस्ट के अंतर्गत, उसमें यह है कि एक सॉफ्टवेयर वेब माई वेक नाम का एक पोर्टल है, उसको बनाया गया, ऐप है एक, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर वेब माई वेक, ठीक है, इसको अलग याद करना, सॉफ्टवेयर है वेब माई वेक, ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया। इसके अलावा एक मेरा पेड़, ठीक है ना, मेरा पैड इनोवेशन, ये क्या है, एक बांस का, बांस के कपड़े से बना हुआ एंटीबैक्टीरियल पैड है, ठीक है ना, जो अपने जो सरकार की उड़ान योजना चल रही है ना, उसके अंदर इन पैड को शामिल करने के बारे में चर्चा भी इस डिजी फेस्ट के अंदर की गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो कॉर्मर्स इंडिया ट्रेडर्स राजस्थान का एक सोशल एंटरप्राइज स्टार्टअप है, जिसके अंदर मेरा पैड नाम का जो है, ये देखो इसमें मेरा पैड बांस से बने कपड़े का बना एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, ठीक है, और इसको राजस्थान की उड़ान योजना में शामिल करने के लिए चर्चा की गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा डीजी फेस्ट के अंदर ही ये आर्केट जो आप पढ़ते हो, आरसीएटी, ठीक है ना, आर्केट फुल फॉर्म है इसकी, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट के अंदर ही किया गया। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, आरकेट का उद्घाटन कब हुआ, कहां हुआ, जयपुर में, ठीक है, कि डीजी फेस्ट के माइंड, ठीक है ना। चलिए 13 अगस्त 2022 को जोधपुर के साड़वा गांव, ठीक है ना, साड़वा कला गांव में किसके द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया, करियो ऐसा राजनाथ सिंह जी करियो है, ठीक है। दुर्गादास जी कौन है कि अजीत सिंह जी शासक बनने में जो मतलब संघर्ष करियो है, नहीं वह दुर्गादास जी करियो है, अणियाबिंद मोती कहा जाता जिन्हें, ठीक है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि घोड़े पे ही बैठे रहते थे, घोड़े पे ही सोते थे, घोड़े पे ही खाते थे, और इनकी मृत्यु भी घोड़े पे ही हुई, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में इनकी छतरी भी बनी हुई है। और अजीत सिंह जी यदि शासक बने हैं मारवाड़ के, तो उनके पीछे पीछे पूरा जो हाथ है वो दुर्गादास जी का था, इसलिए राजस्थान के इतिहास में कहा जाता है एक तो पन्ना धाय और दुर्गादास जी एडा स्वामी भक्त पाचा मतलब जीवन नहीं लेवे, ठीक है नहीं। तो दुर्गादास जी का जन्म हुआ था देखो साड़वा गांव के अंदर, तो इसीलिए साड़वा कला में इनकी मूर्ति की स्थापना की गई। पिता इनके आसकरण थे, उपनाम इनके अणियाबिंद मोती, राठौड़ों का यूलिसियस, राजपुताने का गैरिबाल्डी आदि इनको कहा जाता था, और अजीत सिंह जी के संरक्षक थे ये, अजीत सिंह जी को शासक बनाने में इनकी मुख्य भूमिका थी, ठीक है ना। औरंगजेब से बचाकर, अपने इतिहास में पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे एकदम, औरंगजेब से बचाकर बहुत सारा संघर्ष करके इन्होंने इनको शासक बनाया। चलिए मारे गांव टीवी ने पसारे पांव, ठीक है, ये एक अभियान शुरू किया गया है, और ये अभियान जो है 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया जो अप्रैल 2023 तक चलेगा, ठीक है ना। देखो ये क्या है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के उद्देश्य से चलाया गया ये अभियान है जो 15 अगस्त 2022, अच्छा यहां लिख लेना 2022, ठीक है ना, 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक इस अभियान की अवधि रहेगी। ये टीबी क्षय निक्षय ये बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल, पिछले एग्जाम में देख लेना, इसमें से एक आधे सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि टीबी मुक्त करना है पूरे राजस्थान को, 2025 तक का टारगेट रखा है टीबी मुक्त करना है, इसलिए प्रश्न भी ज्यादा बन रहे, योजनाएं भी ज्यादा आ रही है, ठीक है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2025 तक राजस्थान को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और मारे गांव टीवी ने पसारे पांव अगस्त महीना रो, ओ ध्यान रखना, ठीक है, याद रह जाए नहीं के गुरु जी नहीं रहे तो किंग कौन, ठीक है, दूजा राग ले अपन नहीं रहे दूजा रहे। 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता, स्वर्ण यानी स्वर्ण पदक, हेमांग जायसवाल, देखो हेम का मतलब भी सोना ही होता है, तो हेमांग जायसवाल ने स्वर्ण जीता है, 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने फाइट किया था, ठीक है ना, जूडो के अंदर। चलिए भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह चतुर्थ चौथे संस्करण, और अल नजाह से प्रश्न बन चुका है, और अल नजा पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, तो अल नजा से प्रश्न ये बनता है कि किस किस देशों के बीच में हुआ, भारत और ओमान के बीच ही हुए, ठीक है ना, कब हुआ है कि 1 से 13 अगस्त 2022 में हुआ है ये, और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ है,
और भारत और ओमान के बीच हुआ है, ये देख पा रहे हो आप, ये उसी का है, अल नजा का ही है, चौथा संस्करण था। और प्रश्न बना है जीजीडी फैक्ट की, जब मुहिम अपने शुरू की है अभी तक जैसे 27 28 डाल चुके हैं, 27 डाले ना, तो 27 डाल चुके हैं, उसमें से कोई पहले के दो तीन है उसके अंदर सारे युद्धाभ्यास एक साथ दिए हुए, टेलीग्राम पे अभी भी अवेलेबल होगा, देख लेना। फिर टेलीग्राम पे देने का तात्पर्य यही है, यूट्यूब कम्युनिटी में तो दो दिन पुराना हो गया तो मिलेगा नहीं, फिर भाई 8-10 दिन पुराना तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं मिले आपको, बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। टेलीग्राम पे सीधे अंदर गए, टेलीग्राम के और अंदर गए, जहाँ फाइल्स और फोटो दिखते हैं, मीडिया दिखती है, वहां जाओ सीधे सीधे सारे इमेज, सारे पीडीएफ सब कुछ एक साथ दिख जाती है और हमेशा के लिए अंदर सेव भी रहती है, चाहे साल भर बाद देखोगे तो भी वो चीज वहीं मौजूद रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल ही निःशुल्क है, ठीक है, नहीं पैया नहीं है जीजीडी पे एक्ट्रा, रोज सुबह मिले चाय री चुस्की राहत है, ठीक है। चलिए चाय आपकी है, फैक्ट हमारे हैं। राजस्थान पुलिस में तैनात हरियाणा मूल की पूजा सिहाग, जिन्होंने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कांस्य पदक जीता था, इनके पति की हाल ही में मृत्यु होगी, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी इनकी, कोई कह रहे थे कि भाई ड्रग्स वगैरह के कोई चक्कर है, अजय नादल इनका नाम था, ठीक है ना, कि कोई बहुत ज्यादा सेवन वगैरह कर लिया होगा, ऐसा न्यूज चैनल बता रहे थे। CWG 22 टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व किसने निभाया, धनराज चौधरी निभाया है, ठीक है। 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस, 26 अगस्त को वैसे कौन सा दिवस मनाया जाता है, महिला समानता दिवस, और यहाँ पे 26 अगस्त 2022 की बात हो रही है, ठीक है। इस अवसर पर किस पोर्टल और योजना दोनों का शुभारंभ किया, पोर्टल और योजना दोनों का, किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, वर्क फ्रॉम होम जॉब, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क पोर्टल भी और योजना भी, इन दोनों का शुभारंभ महिला समानता दिवस पर किया है। महिला समानता दिवस पे बहुत सारी घोषणाएं हुई है, अभी देखो आगे और बढ़ते हैं अपन, बहुत सारी चीजें हुई है, करंट की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगला जो है अपना, राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण, ये महिला निधि का लोकार्पण भी 26 अगस्त 2022 को ही है, ठीक है, महिला समानता दिवस पे। तो इस महिला निधि की स्थापना करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है, और राजस्थान महिला निधि की स्थापना हेतु राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच में हुआ है समझौता, ठीक है, MOU हुआ है, और इसकी मदद से महिला निधि की स्थापना की गई। समता दिवस के अवसर पर ही उड़ान योजना के दूसरे चरण का भी शुभारंभ हुआ, और आने वाले समय में साथियों ये होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उड़ान योजना वैसे भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से जुड़ी हुई सारी योजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जितनी इंपॉर्टेंट है तो फिर इनका दूसरा चरण चल रहा है तो उसको ध्यान रखना है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है, सुपोषित बेटी वाला वगैरह सब, महिलाओं से जितने भी संबंधित जितनी योजनाएं हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज ही देख लेना। राजस्थान क्या सर, महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है, महिलाएं सरस्वती का रूप होती है, कई जना मेरे स्टूडेंट बदमाश है, क्या दिया करे तो गुरुजी मैं किनो रूप हा क्या महिलाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सब कुछ है, तो क्या सर हमारे क्या करना चाहिए, माने के दको देर बार काट नहीं आपका भी सम्मान। राजस्थान के 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब स्थापित करने की स्वीकृति मिली है, इसके लिए साथियों 23.40 करोड़ के तो बजट की स्वीकृति हुई है, और ये स्वीकृति मिली है 30 अगस्त 2022 को, जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर के अंदर ये डिजिटल लैब बनेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और ये बजट भी ध्यान में रखना। राजस्थान सरकार ने अगस्त 2022 में कनकांचल और आदि बद्री पर्वतीय क्षेत्रों पर खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, और इस पे प्रतिबंध लगाकर वहां पे फिर वन मतलब वनस्पति और वन से संबंधित वो सारे कार्य किए जाएंगे, यानी कि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ये किए जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि कनकांचल और आदि बद्री ये पर्वतीय क्षेत्र है कहां, तो भरतपुर के अंदर है, और ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अब बढ़ना ही पड़ेगा। देखो आज की क्लास हो गई शॉर्ट एंड स्वीट, पूरी हुई, 19 मिनट लिए, उसमें से 3-4 मिनट अपन ने बातें की है, ठीक है, वो स्टार्ट में आपको जो इंस्ट्रक्शन देने थे तो वो तो क्लास को मतलब इंजन स्टार्ट करते ही गाड़ी मतलब सीधी रेस नहीं दबाई जाए, पहले उसका मौसम बनाया ही जाता है, ये आपको बीएड करते समय सिखाया होगा, कई जना मतलब वीडियो मतलब देखने आवे नहीं तो भी बे यूं दौड़ी ओड़ा आवे हाफी ओड़ा फटाफट फटाफट जितना भी नॉलेज फटाफट ले ले, अरे ले लो तो यूं तो बस खुद भी ले सको थे, ठीक है, कम से कम वहां जब आए हो आपके मैं एक घंटे की बचत कर रहा हूं तो कम 20-25 मिनट तो धैर्य के साथ में देख सकते हो, ये खुद बनाए बनाओगे या कहीं से भी, देखो आर्थिक बहन भी होगा, 5-7 पुस्तकें लोगे फिर बाद में आप उसको बनाओगे समय भी जाएगा, आपको पकी पकाए खिचड़ी मिल रही है। तो माने में कई जना गुरु जी स्टार्ट में ये मत बोला करो वो मत बोला करो, अरे
थे या तो मुझे बाद में देख लिया करो, स्किप कर, बाकी तो क्या हो सके। बाकी और मतलब ये टेक्निक सिखाई जाती है शिक्षण। आप यदि प्रशिक्षण आपने बीएड का सही तरीके से लिया है तो आप जब पढ़ाएंगे तब आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। यदि आप इसको शामिल नहीं करते हो तो मतलब ही नहीं है, कोई देखा लाई नहीं आपने, क्या बात, सीधे सीधे बस पढ़ा हुआ है। खुद भी देख लो आज चैनल यूट्यूब बहुत हजारों के चैनल, हजारों की संख्या में चैनल है जो सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, बाकी कहीं भी नहीं, बाहर देखे भी नहीं लोग, यह हकीकत है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ये टेक्निक्स होती है जो आपको प्रशिक्षण में समझ समझाई जाती है। शिक्षा का दूसरा पहलू है, इसको अपनाना आप भी। ठीक है, तो ठीक रहे, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।